हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिट में। तो दोस्तों, मैं लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे कॉल प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आज फिर से कॉल प्रोवाइड किया था, 3 कॉल प्रोवाइड किया था आज मैंने। उसका बाय और सेल का रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों मैंने बाय किया, क्यों मैंने सेल किया, रीज़न को एक्सप्लेन करूंगा। इससे आप लोग जो है आप लोग उससे लर्निंग ले सकते हैं। मतलब आप लोग उस स्किल को देखकर, आप प्राइस एक्शन को देखकर, आप भी नेक्स्ट टाइम वो चार्ट पैटर्न खोल जाए या वो ट्रेंड लाइन खोल जाए, उस तरह से आपको इसको, आप अगर रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखेंगे तो आपको जो है ट्रेडिंग में वो हेल्प मिलेगा, ट्रेड लेने के लिए वो हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करने के लिए देखिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने क्या कॉल लिया था। देखिए दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2020 है। तो दोस्तों, जो मैंने कुछ प्रॉफिट भी बुक किया था, देखिए आप 2,336 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था बैंक निफ्टी में। वो मैं अलग वीडियो बना लूँगा किस केसेस मैंने ट्रेड लिया था। फिर मैं आज के देखिए दोस्तों, मैंने पहला कॉल लिया था सेल का। सेल को मैंने सेल करने के लिए बोला था 81.5 पर, स्टॉप लॉस 82.5 का टारगेट दिया था, 80.5 का बड़ा बहुत बड़ा टारगेट दिया था, बट एक्चुअली उसको मार्केट का सपोर्ट नहीं था। तो क्या हुआ, सेल आप देख पा रहे हैं कि सेल जो है एक ट्रेड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ये एक हायर हाई फॉर्म कर रहा था, ये हायर हाई फॉर्म कर रहा था। जिस समय ये हायर हाई फॉर्म कर रहा था, उसी समय देखिए RSI डाइवर्जेंस मुझे बता रहा था कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो एक RSI डाइवर्जेंस फॉर्म, RSI डाइवर्जेंस क्या होता है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, दोस्तों इसका भी लिंक जो है मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब यहाँ जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद RSI डाइवर्जेंस। दोस्तों, तो यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ दिखा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखा मुझे, बट यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, वो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं था। तो दोस्तों, इसी आसपास 81.5 पे मैंने सेल बोला था और 81.2 का टारगेट, मतलब 30 पैसा का टारगेट मिला। उसके बाद मैंने बोला था कि देखिए, मैं यहाँ पर बोला था कि वो डिड नॉट बुक प्रॉफिट सेल कैन एग्जिट कॉस्ट रिपोर्ट। तो उस समय भी प्राइस जो 81.4 ही चल रहा था, 10 पैसा का प्रॉफिट चल ही रहा था। अगर जिसने बुक नहीं किया, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि आप कभी कभी मार्केट को प्रेडिक्ट करना दोस्तों मतलब टफ चीज़, मतलब आप इस चीज़ में एंट्री की है, अगर वो चीज़ नहीं नहीं मिल रहा है सही टाइम पर, तो उसमें एग्जिट करना बेटर है। बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि हम उसको एग्जिट कर दें, कॉस्ट टू कॉस्ट या स्मॉल प्रॉफिट पे एग्जिट कर दें। ये साइकोलॉजी रो, इसको अगर आप डेवलप कीजिएगा तो आप मार्केट से हमेशा पैसा लेके जाइएगा। जो आता हुआ पैसा है उसको छोड़ना नहीं, उसको लेके जाना, ठीक है दोस्तों। अगला कॉल था मेरा जिंदल स्टील, जैसा कि देखो जिंदल स्टील मैंने बाय किया था 358.5 पर, मैंने बाय करने के लिए लिया था। प्लीज जिंदल स्टील का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, जिंदल स्टील में आप देख सकते हैं, जिंदल स्टील जो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ ऊपर जा रहा था। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांग था स्टील सेक्टर, बहुत स्ट्रांग था, न्यूज में भी था स्टील सेक्टर बहुत स्ट्रांग था। तो इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर 358.5 के ऊपर मैंने बाय कॉल दिया। और देखिए दोस्तों, आसानी से 361 का टारगेट था मेरा, ये बहुत ही आसानी से अचीव हो गया। तो ये बहुत ऊपर गया, खैर बहुत ऊपर गया आज, क्योंकि इस न्यूज का मार्केट में और सारे स्टील सेक्टर जो था, स्टील सब सारे सेक्टर भी ऊपर गए। तो ये इस बेसिस पे मैंने ये कॉल लिया था। जब इसको ब्रेक करा था तो वॉल्यूम भी उसमें अच्छा खासा था। और तो उसके बाद देखिए दोस्तों, जिंदल स्टील, फिर देखिए दोस्तों बीड और क्वांटिटी भी हमें हमेशा देखते रहना चाहिए। तो मैं जिंदल स्टील में जब 363 पर जो है बहुत हैवी क्वांटिटी था, वो भी मैंने आपको शो किया था। अगला कॉल मैंने दिया था दोस्तों हिंडाल्को का। हिंडाल्को को मैंने सेल करने के था 344 पर, 344.5 पर मैंने सेल बोला था हिंडाल्को। हिंडाल्को 344.5, देखिए हिंडाल्को दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये हायर हाई फॉर्म कर रहा था, देख सकते हैं हायर हाई फॉर्म कर रहा है, उसी समय जो है ये आपको एक RSI डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ दिखा मुझे, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मुझे मिला यहाँ पर। मैं इसके नीचे ही जो है आपको सेल बोला और अच्छा खासा 1.5 रुपीज में ऑलमोस्ट 2 रुपीज का प्रॉफिट मिला। मैंने यहाँ पर भी उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला तो मैंने एग्जिट करने बोल दिया। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच, हमको सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।